मुंबई में आयुर्वेद के नाम पर नकली दवा बना रही घरवार फार्मा प्राइवेट लिमिटेड पर एफडीए ने रेड मारी थी। एफडीए ने फर्जी दवा बनाने वाली कंपनी पर छापा मारकर 1,27,00,000 रुपए की नकली दवा जब्त की। वहीं करीब 2,93,255 रुपए की मशीनों को भी सीज किया गया है। छापेमारी वसई के गीता गोविंद इंडस्ट्री नावघर के 46 इंडस्ट्री के 20 नंबर गली में की गई। कार्यवाही में सामने आया कि कंपनी पिछले करीब 7 सालों से नकली दवाओं का निर्माण कर रही थी। ये कंपनी घरवार फार्मा प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और रूसब फार्मा के नाम से थी। इसका लाइसेंस पंचकूला का है, लेकिन दवा का प्रोडक्शन वसई में शुरू था। जॉइंट कमिश्नर एफडीए विजिलेंस डॉक्टर राहुल खाड़े के अनुसार एफडीए ने रेड कर 1,27,00,000 रुपए का माल और मशीनरी जब्त की है। एफडीए के अधिकारियों ने जब रेड की तो पता चला कि कंपनी के पास हरियाणा के पंचकूला में दवा बनाने का लाइसेंस था। वहीं कंपनी पालघर में अवैध निर्माण कर रही थी। नकली दवा बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर और पार्टनर धीरेंद्र जनार्दन पर कार्रवाई के लिए एफडीए की ओर से निर्देश दिए गए हैं। एफडीए के अधिकारियों ने नकली प्रोडक्ट बनाने के लिए रखे रॉ मटेरियल को मौके से जब्त कर लिया है। 2021 में भी रूसब फार्मा एवं घरवार फार्मा प्राइवेट लिमिटेड की सिस्टर फर्म पर आयुर्वेदिक में एलोपैथी ड्रग मिलाने को लेकर कार्रवाई की गई थी। इसको लेकर कोर्ट में मामला दर्ज है। उस समय कंपनी का दवा का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। एफडीए विजिलेंस अधिकार वीआर रवि के अनुसार ये नकली दवा बेच रही कंपनी उसी का एक हिस्सा है। विभागीय जानकारी के अनुसार जांच जारी है। पिछले दिनों भी वसई के अंदर एफडीए ने नकली कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कर रही कंपनी के यहां रेड की थी। यहां लोरेल कंपनी का डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाकर सेल किया जा रहा था। शुक्रवार को ही रेड के मुताबिक इस तरह नकली दवा बनाकर घरवार कंपनी अनेकों डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाकर बेच रही है। साथ ही एफडीए ये भी जाँच कर रही है कि इस कंपनी का कहाँ कहाँ और किस किस जगह से तार जुड़े हुए हैं। नारा सोपारा से संवाददाता संतोष प्यारे प्रसाद की रिपोर्ट।